देखो सोशल मीडिया पे एक न्यूज हर चार पांच दिन बाद अपडेट जरूर आती है, वो आती है पठान टू को लेकर, और लोगों को कहना है कि पठान टू आ रहा है। अच्छा, मेरे तो पहले चीज समझ नहीं आ रही है पठान टू को इतना जिक्र क्यों हो रहा है। अभी वॉर टू की शूटिंग चल रही है, उसके बाद आर्या और शर्वरी की फिल्म आ रही है स्पाई यूनिट, वो आएगी, उसके बाद जाके नंबर लगेगा पठान टू का, हो सकता है। लेकिन रोज कुछ ना कुछ इसकी अपडेट लोग अपने मन से दे ही रहे हैं, पठान टू ये हो रहा है, पठान टू वो हो रहा है। अच्छा, अब लेटेस्ट न्यूज आई है कि पठान टू को डायरेक्ट करने वाले हैं साउथ डायरेक्टर। अच्छा, पहले चीज तो क्लियर है कि पठान टू को सिद्धार्थ कानन डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आदित्य चोपड़ा के अंदर पीछे एक ऐसी चुल है कि जो पहला पार्ट करता है वो दूसरा पार्ट नहीं करता, ये धूम से ही हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। तो ये चीजें उन्होंने टारगेट के लिए भी और स्पाई यूनिट्स के लिए भी ये चीजें उन्होंने बना के रखी है। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं इस फिल्म को डायरेक्ट साउथ का डायरेक्टर करेगा, तो मुझे तो नहीं लगता कि साउथ डायरेक्टर को आदित्य चोपड़ा लेंगे। बहरहाल बैठी गंगा में सारे लोग हाथ धोते हैं, अब उसको कर ले तो ये भी एक नया अजूबा होने वाला है। वैसे जो इनके जो लिस्ट में आते हैं यशराज की, वो अलिया अब्बास जफर है, कबीर खान है और संजय गांधी है, मनीष शर्मा है, सिद्धार्थ आनंद है, मतलब ऐसे डायरेक्टर जो उनकी फिल्में कर चुके हैं वे इनकी लिस्ट में हैं। अब इसको ऊपर नीचे करके किसको ये देते हैं किसको वो देते हैं यही करते हैं। और खुद एक बेहतरीन डायरेक्टर है एज रोमांटिक फिल्म के आदित्य चोपड़ा, क्योंकि उन्होंने जबरदस्त फिल्में रोमांटिक बनाई है सिवाय एक फिल्म छोड़कर जिसका नाम था बेफिक्रे। और वही बात एसआरके की, देखो शाहरुख खान ने जो गलतियां पिछले 6-7 सालों में की हैं वो दोबारा एसआरके बादशाह खान नहीं करना चाहते, इसलिए जो फिल्में करेंगे बहुत ही चुन के करेंगे और ऐसी फिल्में करेंगे कि जब बादशाह आए तो छाई जाए 100%। तो शाहरुख खान की जो फिल्म का नाम आ रहा है वो आ रहा है किंग का, जिसकी वो शूटिंग स्टार्ट करने वाले, बाकी 2-3 प्रोजेक्ट पे उनका काम चल रहा है। अब प्रॉपर तरीके से जब शाहरुख खान की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो या उनके डायरेक्टर तरफ से कोई चीज ना हो तो ये बोलना बिल्कुल गलत है कि ये चीजें हो रही है वो चीजें। कहने को तो शाहरुख खान की ऐसे लिस्ट में एक नहीं 5-7-8 फिल्में हैं, लेकिन जब तक उस पर मोहर नहीं लग जाती तो उस बात पे कैसे हम बात करें कि नहीं ये चीजें आने वाली हैं। कहने वालों तो उनके जो चाहने वाले हैं सारे डायरेक्टरों के साथ मिलवा दिया कि शाहरुख खान की इनके साथ ही फिल्म है, उनके साथ ही फिल्म है, उनके साथ ही फिल्म है। अच्छा, जिस लोगों का नाम नहीं उनके साथ भी शाहरुख खान की फिल्म है, मजाक बनाकर रख दिया एसआरके का यार इस बातों पे कि सलमान शाह साहब। अरे जब एसआरके बादशाह खान जब फिल्म साइन करेगा दुनिया को पता चल जाएगी कि एसआरके की ये फिल्म आ रही है, उनको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उनके फैंस को खुद पता चल जाएगा। छोटा मोटा एक्टर नहीं है एसआरके यार, समझा करो बात को। लोग बार बार मुझे बोल रहे थे कि एसआरके की फिल्म के बारे में, जैसे कंफर्म होगा, हाँ 2-3 फिल्मों की बात चल रही है वो भी क्लियर होगी, मैं आपको जरूर बताऊंगा, जो बताऊंगा सत्य बताऊंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं बताऊंगा, समझ रहा हूं। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी बात से आपकी इतफाक रखती हूँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। ओके, सी यू अगेन।